हेलो स्टूडेंट, टुडे इज अवर चैप्टर फॉर क्लास फिफ्थ, चैप्टर थर्ड, सोशल साइंस, मेजर लैंडफॉर्म। सो अवर फर्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट आर द मेजर लैंडफॉर्म। मेजर लैंडफॉर्म कौन कौन से होते हैं? तो द मेजर लैंडफॉर्म आर माउंटेन, प्लेन्स एंड प्लेट्यू। सो अवर फर्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज माउंटेन। माउंटेन रेंज और हिल रेंज इज अ सीरीज ऑफ अ माउंटेन और हिल रेंज इन अ लाइन एंड कनेक्टेड बाई हाई राउंड। माउंटेन क्या होते हैं? जो अपने ग्राउंड से काफ़ी हाइट तक जाते हैं और पॉइंट शेप में होते हैं, जो उनकी जो पीक जो होती है वो पॉइंटेड शेप में होती है और वो काफ़ी ऊंचाई तक जाते हैं, तो ये कहलाते हैं माउंटेन। प्लेन्स क्या होते हैं? प्लेन्स अक्योर द लोलैंड्स अलोंग द वैलीज ऑन द डोरस्टेप ऑफ माउंटेन एज कस्टल प्लेन एंड एज अ प्लेटियस ऑफ अपलैंड। यानी पहाड़ों के बाद नदियों के पास जो एरिया होता है, जो मैदानी एरिया होता है, उसको बोला जाता है प्लेन, जहाँ पर एग्रीकल्चर होता है, जो एग्रीकल्चर के लिए बहुत अच्छा होता है। सो द नॉर्दर्न प्लेन इज़ द बेस्ट एग्जाम्पल फॉर द एग्रीकल्चर, क्योंकि जितने भी प्लेन एरिया होते हैं वहाँ पर एग्रीकल्चर बहुत अच्छी तरीके से होती है, तो यह बोला जाता है प्लेन। प्लेट्यू, व्हाट इज़ प्लेट्यू? प्लेट्यू एक्सटेंसिव एरिया ऑफ फ्लैट अपलैंड यूजुअली बाउंडेड बाय एन एस्कार्पमेंट ऑन ऑल साइड्स बट सम टाइम इंक्लोज बाय द माउंटेन। ये माउंटेन की तरह होते हैं पर हाइट में माउंटेन से थोड़े कम होते हैं, और ऊपर से जो उनका टॉप होता है वो टेबल की तरह फ्लैट होता है, जैसे एक टेबल होती है ना, तो उस तरीके से इनका एक शेप होता है। डिफरेंस बिटवीन द माउंटेन एंड प्लेट्यू, माउंटेन और प्लेट्यू के बीच का डिफरेंस क्या होता है? माउंटेन इज अ नेचुरल एलिवेशन ऑफ अर्थ। द माउंटेन मे हैव स्मॉल समिट एंड ब्रॉड बेस। सम माउंटेन आर हायर देन क्लाउड। माउंटेन बहुत ऊंचे होते हैं, माउंटेन की ब्रेस बहुत चौड़ी होती है ना, और कुछ माउंटेन्स जो हैं बादलों से ऊंचे निकल जाते हैं, मतलब बादलों की ऊंचाई तक पहुंच जाते हैं। प्लेट्यू क्या होता है? प्लेट्यू इज एन एलिवेशन ऑफ लैंड। प्लेट्यू आर रिच इन मिनरल। प्लेट्यू आर हाई लैंड विद अ फ्लैट टॉप। प्लेट्यू की सही डेफिनेशन क्या है? प्लेट्यू आर हाई लैंड विद अ फ्लैट टॉप। मतलब प्लेट्यू क्या होते हैं? ऊपर से बिल्कुल हाइट तक तो जाते हैं, पर जो उनका टॉप एरिया होता है वो बिल्कुल टेबल की तरह फ्लैट होता है। प्लेट्यू आर रिच इन मिनरल्स, मतलब प्लेट्यू पर मिनरल्स बहुत पाए जाते हैं, जैसे कॉपर है, ये सब चीज़ें जो हैं प्लेट्यू में पाई जाती हैं। डिफरेंट टाइप ऑफ माउंटेन, हाउ मेनी टाइप ऑफ माउंटेन वी हैव अ थ्री टाइप ऑफ माउंटेन। सो ब्लॉक माउंटेन, सबसे पहले क्या होता है? ब्लॉक माउंटेन। ब्लॉक माउंटेन डिफाइंड एज अ रिजल्ट ऑफ फॉल्टिंग कॉज टेंसाइल ऑफ कंप्रेसिव फोर्स मोटर्ड बाय द इंडोजेनिक फोर्स कमिंग विद द अर्थ ऑल्सो नोन फॉल्ट ब्लॉक माउंटेन। मतलब ये होता है ज़मीन के अंदर जब कभी भूकंप आता है तो जो बीच पे दरारें पड़ती हैं, जो क्रैक पड़ते हैं, उससे जो एक अलग अलग जो माउंटेंस निकलते हैं उसको बोलते हैं ब्लॉक माउंटेन। यानी बीच चट्टानों के बीच में जब भूकंप आते हैं तो दो पहाड़ जब अलग हो जाते हैं, ज़मीन जब अलग हो जाती है, उसमें जो क्रैक बन जाते हैं उसको बोलते हैं ब्लॉक माउंटेन। फोल्ड माउंटेन, फोल्ड माउंटेन मतलब मुड़े हुए माउंटेन, जो ऊपर से मुड़ जाते हैं। तो देखिए, फोल्ड माउंटेन आर माउंटेन दैट फॉर्म मेनली बाय द इफेक्ट ऑफ फोल्डिंग ऑन लेयर विद द अपर पार्ट ऑफ अर्थ क्रस्ट बिफोर द आइदर प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी डेवलप। मतलब ये जब कभी भूकंप आता है तो ये अलग क्रैक होने के बजाय, जैसे कि ब्लॉक माउंटेन की तरह अलग नहीं होते, ये ऊपर की तरफ मुड़ जाते हैं, ऊपर की तरफ मुड़ जाते हैं, तो इनको बोलते हैं फोल्ड माउंटेन। वॉल्केनिक माउंटेन, एन ओपनिंग इन द अर्थ क्रस्ट फ्रॉम विच लावा एश एंड हॉट गैसेस फ्लो अनथ्रोन एंड ड्यूरिंग द इरप्शंस। मतलब ये एक तरीके से लावा, ज्वालामुखी वाले पर्वत होते हैं जिनमें से कभी भी ये ज्वालामुखी की तरह, मतलब ज्वालामुखी होता है, इनमें से लावा निकलता है और ये फट भी जाते हैं, तो ये एक वॉल्केनिक माउंटेन है। हाउ आर प्लेन फॉर्म, जो मैदान होते हैं वो कैसे बनते हैं? द रिवर ब्रिंग्स सिल्ट एंड डिपॉजिट इन द लो लाइंग एरियाज एज द रिवर फ्लो डाउन इट कैरीज स्टोन सैंड सिल्ट ईटीसी विच डिपॉजिट दीज ऑन द लैंड अराउंड दीज डिपॉजिट चेंज इन टू द प्लेन। देखिए होता क्या है, ऊपर जो एक मतलब जो प्लेन्स होते हैं वो कैसे बनते हैं, जैसे कि नदियां हैं, नदियां अपने साथ एक मिट्टी लेकर आती हैं, इसको एलिवल सॉइल बोलते हैं, वो जो मैदानों में छोड़ के जाती हैं, तब वो जो होता है वो एग्रीकल्चर के लिए बहुत अच्छा माना जाता है। तो वहाँ क्या होता है, वहाँ प्लेन का फॉर्म होना शुरू हो जाता है, जैसे ऊपर से बहुत सारे स्टोन लेकर आए, सैंड लेकर आए, और वो प्लेन के आसपास छोड़ जाते हैं, और ये किसके लिए, मतलब जो एडवांटेज किसके लिए होता है इसमें जो एग्रीकल्चर होता है उसके लिए बहुत प्रॉफिट होता है। तो जितना भी एरिया होता है नदियों के आसपास का होता है तो ये फॉर्म होते हैं। वाई आर द रिवर प्लेन थिकली पॉपुलेटेड, जो रिवर प्लेन्स होते हैं, जो नदियों के पास के जो मैदान होते हैं, आखिर वो इतनी ज़्यादा वहाँ पे पॉपुलेशन क्यों होती है? दीज प्लेस आर आइडल फॉर एग्रीकल्चर, यहाँ पर एग्रीकल्चर बहुत आसानी से हो जाती है क्योंकि यहाँ पे एलिवल सॉइल मिलती है और ये बहुत सीधी सपाट ज़मीन होती है। देयर इज़ अ अवेलेबिलिटी ऑफ सॉइल, यहाँ पर मिट्टी बहुत अच्छी तरीके से मिल जाती है जो खेती के लिए बहुत ज़रूरी होती है। देयर इज़ अ अबंडेंट ऑफ सप्लाई ऑफ वाटर, और यहाँ पानी की कमी नहीं होती,
किसानों को, आसपास के लोगों को पानी पीने के लिए मिल जाता है और खेती के लिए भी अच्छे से पानी मिल जाता है। ट्रांसपोर्टेशन इज ईजी। देखिए फ्लैट सरफेस है तो ट्रांसपोर्टेशन भी ईजी है, हमारी जो गाड़ियाँ भी होती हैं फ्लैट सरफेस पर ईजी चलती है, पहाड़ों पर ऊँचे नीचे पहाड़ों पर ये नहीं चलती। फ्लैट लैंड मेक आइडल फॉर ह्यूमन हैबिटेशन। तो देखिए वाई आर माउंटेन थिनली पॉपुलेटेड, जो माउंटेन के एरिए जो होते हैं वो काफ़ी वहाँ पे लोग कम क्यों रहते हैं? तो देखिए लेस डेवलपमेंट ऑफ ट्रांसपोर्ट, वहाँ पे ट्रांसपोर्ट की बहुत कमी होती है क्योंकि देखिए ऊंचे पहाड़ों पर ट्रांसपोर्ट सामान को लाना ले जाने में बहुत मुश्किल होती है। लोअर एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़, फियर ऑफ डिज़ास्टर लाइक फ्लाइट। अब वहाँ पर लोअर एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ मतलब काम जो होते हैं, मतलब जो रोज़गार होता है, जो एम्प्लॉयमेंट होता है बहुत कम होता है क्योंकि वहाँ फैक्ट्रियाँ नहीं होती हैं। पहाड़ के ऊपर अपनी फैक्ट्री लगाना एक बहुत रिस्क भी होता है क्योंकि वहाँ डिज़ास्टर बहुत सारे हो जाते हैं, तो इसलिए पहाड़ों पर बहुत ज़्यादा रोज़गार की बहुत कमी होती है। और दूसरा फियर ऑफ डिज़ास्टर लाइक लैंडस्लाइड, और वहाँ सबसे बड़ी प्रॉब्लम लोगों में डर बना होता है कि कब यहाँ मिट्टी खिसकना, लैंडस्लाइड हो जाए, तो इस वजह से यहाँ के एरिया में लोग बहुत कम रहते हैं।